हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैशाली है। आज मैं आपको ईद पे स्पेशल रोस्टेड सेवियों की रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए हम रोस्टेड सेवियां लेंगे जो आपको मार्केट से आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। आज इस रेसिपी में हम 425 ग्राम रोस्टेड सेवियां लेंगे। उसे एक परात में एक दुपट्टा बिछाकर इस तरीके से सेवियों को उसमें डालकर रखेंगे। इन सेवियों को उबालने के लिए हम एक पतीले में पानी उबलना हुआ रखेंगे। इन सेवियों को हम सीधे पानी में नहीं डालेंगे, बल्कि जिस दुपट्टे में हमने सेवियां डाली थी उसमें डालकर इस तरीके से सेवियों को उबालेंगे। इस तरीके से सेवियां उबालने से सेवियां आपस में जुड़ेंगी नहीं, और जितनी हमें सेवियों का सेक लगाना चाहिए उतना ही सेक लगेगा। तो आप इस तरीके से सेवियों को उबालिएगा और देखिएगा कि सेवियां बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाएंगी। इस तरीके से आप 5 से 10 मिनट कीजिए, सेवियां 5 से 10 मिनट में आसानी से उबल जाएंगी। अब सेवियों को निकालने के लिए हम एक परात लेंगे। परात में देसी घी लगाकर परात में अच्छे से उसको फैला लेंगे, और उबली हुई हमारी जो सेवियां हैं उनको हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से हमारी उबली हुई सेवियां हैं जो हम परात में डाल देंगे। ये देखिए, परात में डालने के बाद हम इसे अच्छे से हिला लेंगे, फैला देंगे परात में, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। इस तरीके से हम इनको परात में अच्छे से फैला लेंगे। अब हम चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे। उसमें हम चीनी रखेंगे। जितनी आपने रोस्टेड सेवियां ली हैं, जैसे कि 425 ग्राम हमने रोस्टेड सेवियां ली हैं, तो आपको 425 ग्राम ही चीनी लेंगे। और चीनी 425 ग्राम चीनी लेकर इसमें 1 कप पानी का डालकर हम इसे इसकी चाशनी बनाएंगे। गैस फ्लेम को आप तेज़ी रखिएगा और धीरे धीरे करछी से हलाते रहिएगा, ताकि हमारी जो चाशनी है वो नीचे ना लग जाए। 5 से 10 मिनट में हमारी जो चाशनी है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। देखिए, इस तरह हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इस चाशनी में हमने जो उबली हुई सेवियां हैं वो इस चाशनी में हमने डाल दी हैं। इस चाशनी में हम उबली हुई सेवियों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि चाशनी और सेवियां आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसे हम गैस के हाई फ्लेम पे हलाते रहेंगे धीरे धीरे। 5 से 10 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे, ताकि हमारी जो सेवियां और जो चाशनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और हम तब तक इनको पकाते रहेंगे 5 से 10 मिनट तक, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देखिएगा, चाशनी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम जो गैस का फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इनको हम एक उसी परात में वापस निकाल लेंगे। अब देखिए, चाशनी और सेवियां दोनों मिक्स हो गई हैं अच्छे से और पक गई हैं। और हम अब इसमें देसी घी डाल लेंगे। आप जितना देसी घी डाल सकते हैं उतना डालिए। जितना देसी घी इसमें डालेंगे उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये सेवियाँ बनेंगी। तो आप 3 चम्मच डालिए, 4 चम्मच डालिए, चाहे 5 चम्मच डालिए। जितना ज़्यादा इसमें देसी घी होगा उतनी ही ज़्यादा सेवियां जो हैं वो टेस्टी बनेंगी। अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आपस में, ताकि जो हमने देसी घी डाला है वो सेवियां में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम चिरंजी फल लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। चिरंजी फल को हमने इसके ऊपर डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। चिरंजी फल की जगह आप इसमें काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट जो भी चाहिए आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से हमारी जो रोस्टेड सेवियों की रेसिपी है बहुत अच्छी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी।
आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। SUR वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।